بسم الله الرحمن الرحيم، कैसे हैं दोस्तों؟ उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम फजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसा बॉय। वीडियो बनाने का मकसद इसलिए ज़रूरी हो गया कि वो एक दोस्त है तो वो कोई ना कोई पोस्ट डाल के तो साथ में मुझे टैग कर लेते हैं और फिर नोटिफिकेशन हमारे पास आते हैं। तो खैर, सोशल मीडिया तो आपको पता ही है कि कितना उसके झूठ और ये चीज़ें सब अभी किसी से छुपी नहीं है। जिस तरह के इंडिया में मोदी का आना और अमेरिका में ट्रंप का आना, ये सब इसी सोशल मीडिया के झूठ की वजह से ही मुमकिन हुआ है, वरना बाकी इनका आना यानी कि एक किस्म का बनता नहीं था। बहरहाल वो दोस्त जिसको मालूम है, मिलता रहता है, गपशप लगती रहती है और उसको मैं बता चुका हूँ कि और भी बहुत काम है सोशल मीडिया के अलावा, कुछ अपनी तरफ से कर लो। यहाँ पर मैं एक चीज़ वाजे कर दूँ कि मेरा ताल्लुक पीटीआई से है। दोस्तों, बात हो रही थी कि वो दोस्त कभी कभार टैग कर लेते हैं, जिसको पता भी है कि आजकल का दौर कैसे चल रहा है। ज़रूरी होता है कि आप अगर सोशल मीडिया देखो तो किसी काम से देखो, किसी मकसद से देखो, अपने दोस्त रिश्तेदारों को देखो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कोई शादी की तस्वीरें शेयर कर रहा है, कोई पिकनिक पे गया हुआ है, कोई बीमार है, ज़ाहिर है बड़ी कम्युनिटी है, तो बस यही चीज़ें बंदा देख ले तो इतना भी काफ़ी है आजकल के दौर में। ये एक सहूलत है हमारे लिए। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और कामों के लिए फजूली अगर इंसान को मजबूर किया जाए किस्म का कि वो खामखा आके आपको उसकी रिप्लाई दे, जवाब दे, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, उसके लिए मुझे एक दोस्त ने टैग किया था, तो कई बार टैग किया है तो मैं तो जवाब नहीं देता ज़्यादातर उसको, लेकिन ये शायद कुछ इस तरह बन चुका है कि जिस तरह कोई भैंसों में वैसा जीतने की बातें होती हैं। तो मेरा वो दोस्त और रिश्तेदार भी टैक्सी ड्राइवर है और ज़ाहिर है उसको टाइम होगा जब वो काम पे नहीं होगा, फारिग होगा, गाड़ी में सवारी नहीं होगी, इंतज़ार कर रहा होगा, तो वो फेसबुक देखेगा, इधर उधर की देखेगा। बहरहाल उसके साथ गपशप लगी रहती है। तो उसने किसी दो तीन पोस्टों में इसी तरह मीडिया के न्यूज़ व्यूज़ में वो हमें टैग कर लेता है और फिर वो रिप्लाई भी चाहता है, जो कि हम नहीं देते क्योंकि मैं उसको बता चुका हूँ कि इतना टाइम नहीं है और भी बहुत काम है। अगर सोशल मीडिया ही है तो आप खुद सोशल हो के कुछ काम करो, बहुत है काम करने के, अच्छाई भलाई के काम और भी है। तो दोस्तों, ये वो मेरा फेसबुक, उसके लिए मैंने ये कमेंट्स तैयार किया था, ये उसके लिए लिखा था, लेकिन बस पोस्ट नहीं कर सका और इसी वजह से मुझे वीडियो बनाने का ख्याल आया, तो मैंने बोला चलो आपसे भी शेयर कर लूं। तो शुरू करते हैं। अटेंशन सीकिंग, आपने नाम सुना होगा अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीकिंग क्या होता है, ये इंग्लिश लफज है और मैंने इसका बेहतरीन लफज ये लिखा है, रोना, जिस तरह कोई रोता है। अटेंशन सीकिंग का मतलब रोना। ये एक बीमारी है, बीमारी का नाम है और ये बच्चों को होती है और बड़ों और शऊर रखने वालों में ये बीमारी खाल खाली नजर आती है। अभी रोना मैंने इसका मतलब क्यों लिया कि आजकल आपको पता है
कोरोना का चर्चा हो रहा है, कोरोना एक वायरस है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ही कोई लफ्ज देखूं ताकि उसके साथ मैच हो। ये है रोना। यहाँ पे मैं अभी आपको फर्क बताता हूँ कोरोना और रोना, इसमें क्या फर्क है। रोना जिस तरह के अटेंशन सीकिंग होता है, एक खास बीमारी है जिसके कोई आदमी बार बार तवज्जो चाहता है आपकी, आप उसको तवज्जो नहीं देते हो और वो आपकी तवज्जो चाहता है, जिस तरह बच्चा, ये बीमारी ज्यादातर बच्चों को ही होती है, बच्चों की बीमारी है, तो इसलिए मैं बड़ों में ये बीमारी इस तरह नजर नहीं आई, बहुत कम इस तरह की देखी गई है। लेकिन अगर किसी बड़े को ये बीमारी हो जाए तो सूरत हाल बहुत नाजुक और खतरनाक हो जाती है। बीमारी की अलामत में वाज़े अलामत ये होती है कि बीमार जब किसी और को किसी भी वजह से खुश और पुरसकून देखे तो वो चीखता है, चिल्लाता है, वो भी पुरसकून और खुश रहना चाहता है, मगर ये सब कैसे मुमकिन है उसके लिए कि वो भी खुश रहे और सब लोग उसकी वाह वाह करें, उसकी तारीफें करें और उसके आसपास उसकी बातें हों। एक मिसाल है, बच्चों की बीमारी इसलिए कि बच्चा ज्यादातर आपको मालूम है कि जिद करता है घर में किसी चीज के लिए, खिलौना या किसी और चीज की फरमाइश करता है तो माँ बाप उसकी फरमाइश पूरी कर देते, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के माँ बाप होते हैं तो वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बच्चे को तरबियत अच्छी तरह करे ताकि वो इस बीमारी का शिकार ना हो। लेकिन अगर बड़े को हो जाए तो उसका क्या होगा, उसका क्या इलाज है? तो हम इलाज जानने की कोशिश करते हैं, आप वीडियो आखिर तक देखते जाएं। तो बात हो रही थी कि जिस तरह बच्चे को ये बीमारी हो जाए तो अगर माँ बाप जितना भी प्यार दे बच्चे को, चाहे वो उसकी अकलौती औलाद हो, बहुत ज्यादा प्यार उसको मिले बच्चे को, लेकिन वो उस पे खुश नहीं रहता, वो मजीद 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 की तलब में रहता है और सोचता है कि बस मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक अटेंशन सीकर होता है, उसको तवज्जो चाहिए होती है, बार 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 वो कभी किसी बात को लेकर बैठते हैं, कभी किसी बात को लेकर बैठते हैं और माँ बाप को मजीद वजाहतें और इधर उधर की तसल्लियां देनी पड़ती हैं। तो ये बच्चों की इस तरह की बीमारी है। बच्चा सोचता है कि बस मुझे ही प्यार मिले, जो मैं मांगू वो मुझे मिले, और अगर कहीं भी मामूली फर्क आता है तो वो खिलौने तोड़ने लगता है, फेंकता है। बड़ों में अगर ये बीमारी हो जाए तो उसको बस मैं और कुछ कह नहीं सकता कि ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल बन जाती है और बहुत नाजुक सिचुएशन बन जाती है। नाजुक से मुराद वो आमिर लियाकत वाला नाजुक नहीं, ये वाकई नाजुक सूरत हाल बन जाती है। ये भी एक किस्म का एक वायरस है, जिस तरह मैंने जिक्र किया का रोना, तो ये रोना भी इसी तरह का एक वायरस है, ये एक बीमारी है। तो अगर किसी बड़े को हो जाए तो अगर उसके दोस्त 1,000 कोशिश कर लें कि भाई जान हौसला रखो, बस गुजारा करो, वोट को तो इज्जत दे के चाट चुके हो, बस अब थोड़ा और गुजारा कर लो, फिर खुद ही आदी हो जाओगे, याशी छोड़कर सादगी अपना लोगे, 2 साल में मान लिया बस इमरान खान ठीक नहीं है और जरदारी और शरीफों का दौर, सुलहा का सुनहरी दौर था, बस आप खुश रहो और अगले इलेक्शन तक इंतजार कर लो, मगर चूंकि ये बीमारी है तो मुतासरा मरीज कुछ दिनों बाद फिर चीखना चिल्लाना और उछल कूद शुरू कर देता है। तो फिर उसके दोस्त और अजीज उसे तसली दिलासा देते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, एवन फील्ड अपार्टमेंट किसी और के हैं, चलो वो बेरिया टाउन वाले मलिक रियाज के हैं, बस आप खुश रहा करो और फेसबुक में एक टाइमर लगा दो, मगर कुछ दिन गुजरने के बाद फिर वही टम टम। तो दोस्तों को मजीद कीमती एहसास है, पानामा लीक्स को नवाज शरीफ के खिलाफ फौज और बैन अलाकवामी इदारों की साजिश मानकर कुर्बान करने पड़ते हैं और आखिर ये सिलसिला नाजुक मोड़ पर आ जाता है। आप फिर मुतासर शख्स से ये तवक्को कर सकते हैं कि ये किसी भी लम्हे गाली या वाहियात पर उतर सकता है। तो कुछ लोग मुतासरा मरीज से आहिस्ता आहिस्ता दूरी अख्तियार करना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा फेसबुक पर ब्लॉक की सूरत में निकलता है, यानी कि लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं।
तो इसका आसान हल यही है कि ऐसे वायरस को क्वारंटाइन कर देना चाहिए, जिस तरह की ये कोरोना वायरस को क्वारंटाइन करना पड़ रहा है। तो ये तो था उसका, उसके लिए मेरी रिप्लाई, कमेंट्स और उसके लिए ये वीडियो बनाने की मजबूरी। अभी आते हैं असल बात के ऊपर। मैं इस वीडियो के विसातत से अपने तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर वाजह करता हूँ कि मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, एक मेंबर हूँ और पेड मेंबर हूँ, पैसे देता हूँ सालाना, ठीक है। जो इमरान खान का ख्वाब था वो हमारा भी ख्वाब था और है, और मैं अभी भी समझता हूँ इमरान खान जो कर रहा है बहुत बेस्ट कर रहा है, जो उसके बस में है वो कर रहा है, उसकी नीयत बुरी नहीं है और अपनी वो कोशिश कर सकते हैं, यही इंसान कर सकते हैं। अभी दोस्तों अगर मैं अकेला जितना भी सोचूं, जितनी भी अच्छाई की बातें कर लूं, मैं अपने दिमाग से सोचूं, लेकिन अगर कम्युनिटी की मदद मुझे ना मिले, कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट मुझे ना मिले, तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। और ये इमरान खान की सिचुएशन है कि जिस तरह अगर वो कुछ करे तो कभी अदालत डंडा लेके उसके पीछे, तो कभी कोई और, तो कभी क्या, तो कभी क्या, वो डिफरेंट जिस तरह के नए नए हालात आते हैं दुनिया में भी आते हैं, हमारे मुल्क में भी आते हैं, हुकूमत को फेस करने पड़ते हैं। जिस तरह के पिछले दिनों आटा माफिया ने ये सारा बहरान पैदा किया, वो कंट्रोल हुआ तो अभी चीनी वालों ने बहरान पैदा किया। और इसी बात के ऊपर मेरे उस दोस्त के साथ पिछले दिनों मुलाकात में एक तकरीब में थोड़ी बहुत वो बातें भी हुई इसके ऊपर, कि उसने बोला कि ये चीनी के जो बहरान है तो ये जहांगीर तरीन ने पैदा किया हुआ है, और वो बंदों के पीछे जहाज लेके घूमता था और बंदों को पकड़ पकड़ के लाता था, तो अब वसूलियां तो करेगा। बहरहाल वो था, उसकी कोई अपनी बस सोच होगी, वो उसके अपने हिसाब से होगी। तो ये किसी एक बंदे का काम नहीं है कि वो चीनी को स्टॉक कर ले, लेकिन मैंने अपनी इंफॉर्मेशन ली है इसके ऊपर तो मुझे पता चला कि वो चीनी का बहरान मसनू है, और लाहौर में बहुत आटे के वो उसके शुगर के थैले पकड़े गए हैं जिनका वजन लाखों किलोग्राम बनता है, और भी कई जगहों पर छापे पड़े हैं, कई जगहों से थैले पकड़े गए हैं, लोग जखीराअंदोजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक मसनू बहरान पैदा हो रहा है। और वो कर कौन रहे, यही जो मालदार तबका है जो हुकूमतों को नचाने पर मजबूर करता है, ये वो लोग हैं। तो वो बड़ा स्टॉक ले लेते हैं किसी भी एक चीज का, आटे का, चीनी का, किसी भी चीज का, तो उसका एक छोटा सा बहरान बन जाता है, तो लोग उसको देख के खुद ही उसको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे 1 किलो चीनी की जरूरत है तो मैं उसके डर की वजह से मैं 10 किलो लेने की सोचना शुरू कर देता हूँ, और होता क्या है, गेम होता है, उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है तो मुझे महंगी प्राइस पे खरीदनी पड़ती है, मैं लेता हूँ वो, यही इनका गेम होता है। बहरहाल ये ड्रामे होते हैं इमरान खान के साथ, और हमारी दुआ है कि अल्लाह इमरान खान को कामयाब करे। और अपने जो मुखालिफिन हैं दूसरी पार्टियों के, मैं उनको यही बोलूंगा कि भाई हमने इमरान खान के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, बस वो हमारी एक उम्मीद है, और हम सोचते हैं कि बस ये काम अल्लाह उनसे लेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, आम आदमी के हालात बेहतर होंगे। ठीक है, अभी हालात वो नहीं है कि जिसको अच्छा हम कह सकें, हमें हमें भी मालूम है महंगाई है सारा कुछ, लोग हमें कमेंट्स में कहते हैं कि आप तो बाहर बैठे हुए हो और आप बाहर मजे कर रहे हो, हम बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है मैं इंग्लैंड में बैठा हुआ हूँ तो मैं मजे कर रहा हूँ, तो क्या मेरे रिश्तेदार और माँ बाप बहन भाई क्या और कुछ भी नहीं है, मैं अकेला इधर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे साथ तो पूरा एक वो एक चेन बंधा हुआ है, जो कि मेरे जितने भी अपने अजीज अकारिब हैं तो मुझे उनकी उनका ख्याल रखना पड़ता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जो जो यही बात करने वाले लोग हैं कि आप तो बैठे हो बेगम यहाँ पर, तो तनकीद करने वाले वो भी इधर ही बैठे हुए हैं, वो खुद भी इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, उनको भी कोई मसला नहीं है, वो भी ठीक ठाक अपना खुशोखरम, अल्लाह के उनको शुक्र गुजार होना चाहिए अल्लाह का, लेकिन पता नहीं वो क्यों ऐसा सोचते हैं। बहरहाल बात हो रही थी कि हम भी अगर कोई मुसाफिर परदेसी या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो यंग हैं या जितने भी बाहर रहने वाले लोग हैं, तो अगर वो इमरान खान को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे तो उन सबकी यही ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क अच्छा हो, तरक्की करे, तो हम भी अपने मुल्क वापस जाएं, और ये परदेश और ये वतन से दूर रहना, रिश्तेदारों से, अजीज़ो अकारब से दूर रहना हमारा भी किसी दिन खत्म हो जाए और अपनों में रहें।
तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर कोई भी बाहर रह रहा है, मुल्क से बाहर है, तो उसकी मजबूरी यही है कि उसके हालात ठीक नहीं है, उसने हिजरत की हुई है, बाहर मुल्क गया हुआ है। कुछ कुछ लोग मैं ऐसे भी देख चुका हूँ कि जो बाहर छोड़ के अपने मुल्क में पैसे भी लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। बहरहाल ये तो बात कहीं और जा रही है, मेरा सिर्फ कहना ये था कि मैं एज ए चैलेंज उन सबको ये कहता हूँ जिन्होंने इमरान खान का साथ नहीं दिया और आज तनकीद कर रहे हैं और किस्म किस्म की बातें कर रही है, तो मैं उनको कहता हूँ 2 साल, 2 साल में आप इतने मायूस हो गए हो कि पिछला जितने भी दौर था वो आपको बहुत नेक और दरवेश लोगों का दौर लग रहा था, और इमरान खान के दौर में आप लोगों के ऊपर डंडे बरस रहे हैं, तो आप पता नहीं किस किस चीज़ों की वजह से जो है ना तकलीफ में हो, परेशानियों में हो गए। ठीक है, हर एक होते हैं, हो सकते हैं आप मुझसे ज्यादा हो या मैं आपसे ज्यादा हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये हालात सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, कहीं पे भी किसी को भी पेश आ सकते हैं, परेशानी, मुसीबत, माली हालात या किसी भी मुल्क के हालात। अगर यूरोप में भी रहें तो यहाँ पर ऐसे मुल्क हैं जिस तरह की यूनान हो गया, तो कभी अच्छे थे और फिर उनके हालात डाउन हो गए, ये ऊपर नीच तो लगी रहेगी। लेकिन मैं कहता हूँ इमरान खान ने हमें शऊर दिया, और इस बात के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि उसने मुझे टैग किया सिर्फ इस बात के ऊपर कि ये देखो ये इनका शऊर है, ये उनका शऊर है, और इन्होंने, इमरान खान ने इनको ये शऊर दिया, वो शऊर दिया। हम बहुत फख्र से कहते हैं कि इमरान खान ने हमें शऊर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना शऊर दिया कि हमें समझ आ गई, हम पॉलिटिशियन से हमारी वो जो तवक्कुआत होती थी वो तकरीबन खत्म थी, तो इसी वजह से इमरान खान ने हमें वो शऊर दिया। वो अकेला आदमी, उसने 28 साल मेहनत की, स्ट्रगल की, और सियासत के मैदान में बिलाखिर वो आया। अभी वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई उसका साथ दे तो वो कामयाब, अगर नहीं दे तो वो नाकामयाब हो जाएगा। और ये टोटली मैंने वही बात की, ये कम्युनिटी के ऊपर है, अगर मेरा साथ लोग देंगे तो मैं कामयाब हूँ, अगर लोगों का साथ नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सब आवाम और आपके दोस्तों, अजीजों, कारब और आपके लोगों के ऊपर होता है कि वो आपसे क्या तवक्कु करते हैं और वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं। रह गई बात शऊर की, इमरान खान ने हमें शऊर दिया, और इमरान खान की पार्टी वजीर आजम इमरान खान बनने से पहले हमें ये शऊर आया कि पॉलिटिशियन को छोड़ो और खुद करो, पॉलिटिशियन को छोड़ो खुद करो, खुद में अपने आप में तब्दीली लाओ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिसके लिए ये मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ मेरे उस दोस्त के लिए है। अगर वो फारिग होगा तो चलो, वो टैक्सी में थोड़ा थोड़ा टाइम जब उसको फ्री मिलेगा वो ये वीडियो देखेगा। मेरे भाई, इमरान खान ने हमें ये शऊर दिया कि हम जाग गए, हम खुद से कुछ करने, कुछ सोचने पे मजबूर हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि आपके गांव में हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और आज वैसा फलाही ग्रुप के नाम से आप कुछ देखते हैं अपने गांव में, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। मुझे और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वैसा फलाही ग्रुप नाम ही काफी है। ये इंशाल्लाह इसका हम बानी हैं, हमने इसको बनाया है, और हमारा ताल्लुक पीटीआई से है, ठीक है, आपको पता भी है इस चीज का। हमने इस ग्रुप को बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको सियासत से पाक किया, उसको आवाम अपने इलाके के लोगों के हवाले किया, उसमें से कम्युनिटी के हर सियासी में पार्टी में से बंदे लिए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत सोच वाले बंदे लिए, और सारे मिल बैठ के आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। वैसा फलाही ग्रुप जिसके हम बानी हैं, जिसकी बुनियाद हमने रखी है, हमने सफाई का काम शुरू किया आपके वैसा में, वजीर आजम इमरान खान के ना होते हुए, वो इमरान खान अपोजिशन में था, हमने खुद से शुरू किया, बेड़ा उठाया पूरे गांव से, गंदगी और ढेर के गंदगी के ढेर, कचरे के ढेर उठाए, गांव की नालियां तारीख में पहली दफा हमने साफ की, कभी नहीं हुई थी, जब से बनी है कभी सफाई नहीं हुई थी, हमने मुनज्जम होकर उसकी सफाई की, सारे गलियों की सफाई, नालियों की सफाई एक बार नहीं कई बार हो चुकी है, और अब एक माशाल्लाह मुनज्जम अंदाज में एक रक्षा सर्विस गांव में चल रही है कि जो रोजाना सुबह लोगों के घरों के दरवाजों के सामने से हॉर्न बजाकर उनका कचरा उठाती है, जो थैलियों में उन्होंने रखा होता है, बिन बैग में रखा होता है या बिनों के अंदर रखा होता है, रक्षा जाता है,
चिंगची रिक्शा वो गलियों में जाता है, वहां से कचरा उठाता है, और जो मकाम उसके लिए मुकरर किया गया है वहां पे वो जाके उसको वहां पहुंचा देता है, फिर वहां पे वो डंप किया जाता है। ये हमारे रिजल्ट है जो हम इमरान खान ने हमें शऊर दिया, जो आप तनकीद कर रहे हो कि ये शऊर दिया है, तो ये हमें शऊर दिया है इमरान खान ने कि हम मुनज़्ज़म हुए किसी सोच पे, और हमने सोचा कि यार खुद से कुछ करो, कुछ खुद से स्टेप उठाओ। इमरान खान तो आएगा तो करेगा, या वो पता नहीं कितना अरसा लगेगा। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम इलाके के गांव के पानी के, कितने ही एरियों के पानी के टेस्ट कर चुकी है, लोगों में आगाही ला चुकी है कि आपका पानी गंदा है, जिसकी वजह से हर घर में गुर्दे के मरीज और काले यरकान के मरीज पड़े हुए हैं। हमने लोगों को आगाही दी कि भाई हमारा पानी ठीक नहीं है। हमारी कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट हमारे गाँव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएगी, अभी उस पर काम हो रहा है। ये हमारा रिजल्ट है जो इमरान खान ने हमें शऊर दिया। हम गलियों की सफाई, नालियों की सफाई के अलावा हमने जो तंजीम कायम की है, आपको खुद पता है कि वो कितने फलाही काम करती है, कितने लोगों को, कितनी गरीब बच्चियों को वो जहेज दे चुकी है, कितने जो नादार तलबा है उनकी सपोर्ट कर चुकी है, कितने गरीब घरों में पानी के नलके लगा चुकी है, बोरिंग कर चुकी है। आपको इन चीजों का इलम नहीं है, आप बस सिर्फ फेसबुक के ऊपर पोस्टें करो, हमें टैग करो, और हमसे फिर हमें मजबूर करो कि हम आपको वहां रिप्लाई दे दें, जबकि हम आपको बोलते भी हैं कि अगर आप मुखलिस हो और सियासी कारकुन हो तो अपनी सोच बदलो और खुद से कुछ करने की कोशिश करो, जो कि मेरा ख्याल है कि आप नहीं करते, मेरे इलम में नहीं है। किसी को 5, 10, 20 पौंड दे के और उनकी मदद करा देना कि जाओ भाई ये आप उस चीज में लगा लो, ये जब आप काम कर रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। पैसा देना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर आदमी किसी से जान छुड़ाने के लिए 5, 10, 20 जो भी उसकी हो वो दे के जान छुड़ा ले। असल चीज ये है कि उस चीज को बुनियाद बनाना, उस चीज को कामयाब करना और उसको अगले 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 स्टेजों तक लेके जाना, ये असल चीज है। अपनी सोच बदलो मेरे भाई, अपनी सोच नहीं बदलोगे तो आपका मुल्क न नवाज शरीफ और न इमरान खान बना सकता है, ये याद रखना। अपने आप को बनाओ, अपनी सोच बनाओ, अपनी सोच तब्दील करो और खुद से कुछ अच्छे काम करने का पहला कदम लो। और मैं आपसे गारंटीड, मैं आपको बोलता हूँ, लोग आपका साथ देंगे, कम्युनिटी आपका साथ देगी, जो भी अच्छे काम हो उसके लोग सपोर्ट करते हैं। और अगर आप में ये चीज नहीं है तो फजूल फेसबुक पे पोस्ट करने और टैग करने से कुछ फायदा नहीं है, इससे अच्छा टीवी देखो, कार्टून देखो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। बस इंजॉय करो अपनी लाइफ, अपने लिए जियो, वो आपके लिए बहुत है। अगर कुछ करना है, अगर आप सियासी बन गए, मैं दुआ करता हूँ इमरान खान को कि ये इमरान खान ना होता तो शायद आप सियासी ना होते। आप शऊर की बात कर रहे हो, आप में शऊर कभी बेदार ना होता, आप में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शऊर शऊर आ गया। 30 साल आप सोए रहे, लेकिन माशाल्लाह अभी इमरान खान ने शऊर दिला दिया आप लोग को कि शऊर क्या चीज होता है। तो अभी आप भी और आप जैसे और बच्चे बचूंगड़े भी जो है ना, तो सियासत के ऊपर बात करते हैं, ये अच्छी बात है कि वो सियासत के ऊपर बात करते हैं, उनको शऊर आ गया। यही असल चीज है, यही हमारा मकसद है कि ये गेम समझो, ये सियासत क्या है। यही हम आपको बावर करा रहे थे कि ये मुख मका वाले हैं, ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे को फिर नंबर नंबर पे आते हैं और एक दूसरे के केसेस ड्रॉप कर देते हैं। ये सियासत के अंदर बेनजीर को टैक्सी कहना और उसकी नंगी तस्वीरें जहाजों से गिराना और ख्वाजा आसिफ का ट्रैक्टर ट्राली कहना, ये इस्तेलाह आप लोगों ने लाई है इस पाकिस्तान की सियासत में, वाहियात और ये चीजें आप कर रहे हो। अपनी सोच बदलो, मुस्बत इंसान बनो, मुस्बत रवैया रखो सबके साथ, और अगर कुछ करना चाहते हो, मुखलिस हो, तो आगे बढ़ो, कुछ करो। मैं पीटीआई के बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो इमरान खान की वजह से इस फलाही कामों में आए, और अगर आप कहें तो मैं नाम से मेंशन करके, सरफराज नाम फेसबुक से मेरा दोस्त है और हमारे गांव का ही है, आप उसको खुद जानते हो कि वो दूसरे मुल्कों तक जा चुका है, लोगों को इमदाद पहुंचा चुका है और फलाही कामों में हिस्सा ले चुका है। ये कोई आसान काम नहीं है, इन चीजों के लिए वक्त देना, पैसा देना, वो दोनों काम कर रहे हैं। और अगर आप किसी फलाही काम के लिए अगर पैसा दे दो या 10, 20 दे दो तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये मैं भी कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है। असल चीज है खुद से करो, आगे बढ़ो,
और फिर अगर आपकी नीयत साफ हो, यही इमरान खान ने हमें सिखाया कि अगर आपकी नीयत साफ हो तो अल्लाह आपका साथ देगा और अल्लाह हमारे साथ है, और ये रिजल्ट आपके सामने है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा वैसा फलाही ग्रुप आज उस मकाम पे है कि इंटरनेशनली लोग खुद उसको इमदाद दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और हम भी उनको सपोर्ट देंगे, और इनशाला हम आप लोगों को इसी तरह जलाते रहेंगे, आप जलते रहोगे सारी उम्र, नई नई चीजों देखोगे वैसा फलाही ग्रुप की जानिब से। लेकिन ये बात याद रखना कि कौन फाउंडेशन किसने रखी है, बानी कौन है उनका, हम हैं, पीटीआई वर्कर है, पीटीआई वर्कर ने उसकी बुनियाद रखी। वैसा गांव में जिस चीज की हमने बुनियादें रखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, बहुत मुतमईन है इस चीजों के ऊपर कि आज जो रिजल्ट हम देख रहे हैं वैसा फलाही ग्रुप का, औसम औसम। बल हम आप लोगों को जलाते रहेंगे, जलाते रहेंगे, यही हमारा मिशन है। जब तक आप इन चीजों में हिस्सेदार नहीं हो, आओ हमारे साथ मुकाबला करो इन चीज फलाही कामों में, आओ हमारे साथ आगे बढ़ के दिखाओ किसी भी तरीके से, चाहे आप पैसे डालो, चाहे आप मेहनत करो और अपनी तरफ से इसके अंदर टाइम लगा के दिखाओ, फिर हम आपको मानेंगे कि हाँ भाई आप नवाज शरीफ की पार्टी के बहुत ही जबरदस्त आदमी हैं, हम फिर जो आप कहेंगे हम मानेंगे। अगर आपके अंदर ये टैलेंट नहीं है तो फेसबुक के ऊपर पोस्ट करना मेरे भाई फजूल काम है, इससे बचो। मैं आपको कह चुका हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं फेसबुक के अलावा, फेसबुक के ऊपर मेरे बहुत सारे पेजेस हैं जो मुझे हैंडल करने पड़ते हैं, यूट्यूब के ऊपर मेरे काफी सारे चैनल है जो मुझे हैंडल करने पड़ते हैं, मेरे पास फजूल चीजों के लिए टाइम नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए थी मेरे भाई, और ये मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूंगा सिर्फ इस मकसद के लिए कि मैं उनको दिखा सकूं कि पीटीआई के कारकुनों ने क्या किया, पीटीआई के इमरान खान ने पीटीआई के कारकुनों को क्या शऊर दिया, हमने क्या किया, हमने जो किया आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर फख्र है, और हमारे उन दोस्तों पे हमें फख्र है जिन्होंने साथ दिया हमें इस काम में स्टार्ट कराने में और फिर इसको यहां तक ले जाने में। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इससे आगे फिर इंशाल्लाह और क्या क्या आप देखेंगे, ये हम आपको दिखाएंगे और आपको जलाते रहेंगे ताकि रोना वायरस अपना काम करता रहे। खुदा हाफिज़।